रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी, कांग्रेसी नेता गुरमीत सिंह मंगू को भारी पड़ने वाले। आज एनएसयूआई के छात्र संगठन ने रीवा के कॉलेज चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। उनका कहना था, महू में जिस तरीके से आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हुआ है, आदिवासी के मरने वाले परिवार को ही आरोपी बना दिया गया, ठीक उसी तरीके से रीवा में भी हुआ। आइए आपको सुनाते हैं छात्र नेताओं ने क्या कहा। रीवा की जमीन किसने बेची का नारा कांग्रेसी नेता गुरमीत सिंह मंगू के लिए सिरदर्द साबित होगा या फिर उनकी राजनीतिक जमीन और मजबूत हो जाएगी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का छात्र संगठन लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है, जिसके चलते आज एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेज चौराहे के पास प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेता जिन्होंने इस मामले की शिकायत की है उनका पुतला दहन किया। यही नहीं, पुतला दहन करने वाले छात्रों का साफ तौर से कहना था, पिछले दिनों महू में आदिवासी युवती की मौत और पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक को लेकर प्रदेश सरकार आदिवासी विरोधी साबित हुई है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेसियों का कहना था, युवती की मौत के FIR में उसके पिता का नाम है। इस मुद्दे पर जहां विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, वहीं दूसरी ओर रीवा के व्यस्ततम कॉलेज चौराहे में NUSI के छात्रों ने पुतला फूंक कर मुद्दे को गरमाने की कोशिश की। पूरे मामले को लेकर हमने छात्र नेता पंकज से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक हमारे रीवा जिले के जो फेसबुक के नेता हैं आदरणीय गौरव तिवारी जी, राष्ट्रीय नेता कहे जाते हैं भाजपा के, उन्होंने गुरमीत सिंह मंगू भैया हमारे कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं, उनके ऊपर एक तत्कालिक मामला आया है। आप लोगों की जानकारी में है कि छोटे बच्चे वीडियो लगा रहे हैं, उस वीडियो में नारा लगाते नजर आ रहे हैं। उस वीडियो को उन्होंने बाल संरक्षण में भेजकर कार्रवाई की मांग की है कलेक्टर साहब से। उसमें क्या है, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के लोग, छात्र नेता आज पुतला दहन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और गौरव तिवारी जी का। पुतला दहन करने का मामला ये है कि आप जब अभी वर्तमान में शिवराज सिंह जी के कार्यक्रम में वो आए थे, सिंधिया जी आए थे, ठीक है, गृह मंत्री जी आए थे, तब स्कूल के बच्चों का पेपर कैंसिल करके कार्यक्रम में बस ले गई गई थी और बसों से भरकर छात्रों को ले जाया गया था। उस मामले में आपको नहीं दिखा कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, छात्र नारा लगा रहे हैं तो गलत होता है। वहाँ तो आप शिवराज सिंह जिंदाबाद बुलवाते हो, ठीक, जब हमारे नेता लोकसभा में बोलना चाहते हैं तो उनको दबाना चाहते हो, आप जब विधानसभा में बोलते हैं तो विधानसभा स्थगित कर देते हो। कब तक आप इस तानाशाह की सरकार को चलाने का काम करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाला 2023 का समय जो है वो निश्चित रूप से बदलाव की ओर जा रहा है और आपकी ये जो विकास यात्रा निकाले, विकास यात्रा नहीं, निकास यात्रा साबित होगी। दूसरा, हम लोगों का मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाने का मुख्य उद्देश्य ये था। महू में अभी एक घटना हुई है जो आदिवासी युवक और युवती की हत्या हुई है, उस हत्या में क्या हुआ है कि परिजनों के ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया गया है। मतलब आदिवासी विरोधी सरकार काम कर रही है, आदिवासियों के ऊपर शोषण कर रही, जैसे हतरस कांड हुआ था उसी तरह ये भी कांड है। इसमें कोई जांच नहीं होगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर हम चाहते हैं कि CBI जांच कराई जाए। और ये भी बताना चाहते हैं दूसरा गौरव तिवारी जी को कि अगर हमारे नेता कलेक्टर साहब से हम निवेदन करते हैं कि अगर गौरव तिवारी जी के वो जो वो आया है उसमें अगर हमारे नेता मंगू भैया के ऊपर कार्रवाई होती है तो हम NSUI के कार्यकर्ता मिलकर रीवा बंद, सभी व्यापारियों के साथ मिलकर रीवा बंद करने का आह्वान करेंगे और सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज के NSUI अध्यक्ष।